हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे स्कूल में गणेश चतुर्थी है, तो बच्चे हाथों से गणेश जी भगवान बना रहे हैं। तो हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि बच्चे मिट्टी से किस तरीके से गणेश जी भगवान को बना रहे हैं, है ना बच्चे? Yes. और तुम लोग क्या कर रहे हो? गणेश, तुमने क्या हेल्प करी उनके साथ बनवाने में? हमने वो गारा छनवाया। यस मैम। मिट्टी आइडिया दिया। और क्या क्या किया तुमने? झांकी बनवाई। चलो देखते हैं किस तरीके से तुम लोगों ने झांकी बनाई है और मिट्टी को किस तरीके से छान रहे हैं बच्चे, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ले चलते हैं हम आगे हमारे वीडियो में, बने रहिए। ये देखो बच्चे जा रहे हैं हॉस्टल में और ये है नीलगिरी हाउस। तो नीलगिरी हाउस वाले बच्चे बना रहे हैं। ये आ चुके हैं नीलगिरी हाउस में अंदर और बच्चे किस तरीके से मिट्टी को साफ कर रहे हैं। कम से कम ये बच्चे 8 बजे से मिट्टी को साफ कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या करोगे तुम इस मिट्टी का? किसने बोला तुम लोगों को ये मिट्टी से गणेश जी भगवान बनाने के लिए? बना लोगे तुम लोग? और खेत से ले आते मिट्टी, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती? अच्छा, तो अभी मेहनत कर रहे हो? कब से? 8 बजे से लगे हो? मैं 8 बजे से देख रही हूँ। सारे बच्चे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बोलो गणपति बाबा। अच्छे से बनाना मूर्ति, है ना? जैसा कि देख रहे हो आप लोग किस तरीके से बच्चे मूर्ति बना रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी 8 बजे से देख रही हूँ इन लोगों को। बहुत मेहनत करते हैं नवोदय के बच्चे और खुद से अपना काम करते हैं सारा। देखो अभी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, मिट्टी लाए, फिर मिट्टी को धोया और धो रहे हैं। कम से कम 2 घंटे हो गए इन लोगों को मिट्टी धोते धोते। अभी देखते हैं किस तरीके से इन्होंने मिट्टी धोई है और मूर्ति किस तरीके से ये बनाते हैं। चलिए गणपति बाबा। देखो बच्चों के कितने हाथ गंदे हो चुके हैं, कितनी मेहनत करी है इन लोगों ने। कपड़े भी गंदे हो चुके हैं इन लोगों के। नील, कब से तैयारी कर रहे हो तुम? सुबह से देख रही हो तुम लोग। मैं इधर 8 बजे से कर रही हूँ। सुबह 8 बजे के लगे यहीं पे। पूरे हाथ गंदे हो चुके हैं छानने में। अभी झांकी की भी करनी है तैयारी। अभी पता नहीं और कितना समय लगेगा। बस आधा घंटा। तुमने तो गंदे किया ही नहीं, तो तुम आज वेकेशन नहीं रहता तो इतनी तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि अभी झांकी भी बनानी है हमको। झांकी बन रही है, हम बना रहे हैं झांकी। तुम तो नए आए हो, तुम्हें कैसा लग रहा है इस स्कूल में? सारे बहुत प्यार से लगते हैं। छोड़ के जाओगे स्कूल की? यही रहोगे? यही रहेंगे। बाकी हम रखते हैं इनको बहुत अच्छे से। मैम, हम झांकी की तैयारी कर रहे हैं 2 घंटे से लगातार। अच्छा, मैं 2 घंटे और कर लेंगे। कितनी देर और करोगे? 2 घंटे। पर मजा भी बहुत आ रहा है इसका। मैम, ये गणेश जी बना रहे हैं, हम झांकी बना रहे हैं। जब झांकी तैयार हो जाएगी, हम जब लोग इतना मजा घर पे नहीं आता था जितना यहाँ पे आता है। सुबह से हम मिट्टी ला रहे, छान रहे। हम मिट्टी में खेलना तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं। मजा आता है। घर पे तो घर वाले मिट्टी में हाथ भी नहीं करने लगे। बोलिए भैया, सब अच्छा देखते हैं, चलते हैं झांकी की किस तरीके से तुम लोगों ने तैयारी करी है। झांकी का टेंडर हमने लिया था 7th में से, मैंने और कृष्णा मीना ने। चलो चलते हैं। गणपति बप्पू, गणपति बप्पू। ये आ चुके हैं हम नीलगिरी 2nd wing में। इतनी देर से क्या कर रहे थे? 11 बज गए, तुम नहाए नहीं है? उसके बाद खाना खाया, फिर यहाँ के नहाए। खाना भी हुआ नहीं है, 1 बजे होगा। नमस्ते 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 नमस्ते।
ये देखो झांकी की तैयारी चल रही है, झांकी बना रहे हैं बच्चे बैठ से। नमस्ते, तुम्हें भी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये देखो अभी झांकी की तैयारी चल रही है और ये झांकी बना रहे हैं अभी बेड शीट से झांकी बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के पास ज़्यादा सामान नहीं होता है, तो जो भी अपने पास सामान होता है उसी में ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेते हैं। अभी क्या तैयारी चल रही तुम्हारी? कितना टाइम और लगेगा? अच्छा आधा घंटा और लगेगा। तुमने क्या किया? हम जब गणेश जी बना रहे थे, हम झांकी की तैयारी। तो अभी और कितना टाइम लगेगा, कब तक तैयार करोगे? आधे घंटे हो जाएगी। कितने बजे बिठाओगे गणेश जी भगवान? 2 घंटे। अभी हम ये पत्ते काट कर माला में लगाकर और यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये गांव का नियम है कि जब भी कोई भी पूजा का काम करते हैं तो वहाँ पे वो आम के पत्ते सूख रहते हैं। वो अभी फूल की माला भी बनाने की तैयारी चल रही है, वो बना रहे हैं अभी उधर। गणपति बप्पा बोरिया, गणपति बप्पा बोरिया, चार लड्डू जोरिया, चार लड्डू जोरिया, एक लड्डू फूट गया, एक लड्डू फूट गया, गणपति बप्पा लूट गया, गणपति बप्पा लूट गया, मोरिया रे बप्पा मोरिया। अभी देखो झांकी इतनी ही बनी है, इन लोगों ने बेडशीट से बनाई है झांकी, तो अभी आगे काम करेंगे लोग। अभी इतना ही काम किया है, आलसी हैं थोड़े बच्चे, कभी कुछ काम करने लगते हैं कभी कुछ काम करने लगते हैं, तो कंटिन्यू काम करते नहीं है, टाइम से काम होता नहीं है। और छुट्टी थी तो वैसे भी आज लेट उठे, टाइम से भी नहीं उठते ये बच्चे। 9 बजे उठते हैं? 9 बजे कौन उठता है? 8 बजे सोया था और 9 बजे उठाया, मतलब पूरे 13 घंटे सोया हूं। और आज तो पता है हॉस्टल की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है, हर बार तो अच्छी होती है, देखो कितनी गंदी हो रही है, साफ सफाई भी नहीं की। अपनी लड़की को बना रहे हैं आम के पत्ते की, बनाओ। क्या बना रहे हो तुम लोग आम के पत्ते की? माला बना रहे हो? और इन भुक्कड़ लोगों को देखो पोहा खा रहे हैं, जबकि और हॉस्टल में लाना अलाउ नहीं है फिर भी खा रहे हैं हॉस्टल में लाकर, गलत बात ही है। देखो ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं गणेश जी भगवान की मूर्ति के लिए। ये अरावली हाउस है और अरावली हाउस में ना गणेश जी भगवान बिठाए हैं, तो बच्चे की डिमांड थी कि मैं देखने आऊँ बच्चों को और बच्चों ने किस तरीके से गणेश जी भगवान बिठाए हैं, तो वही अब मैं अरावली हाउस में आई हूँ देखने की बच्चों ने किस तरीके से गणेश जी भगवान की मूर्ति की स्थापना की। और जरा इनका हॉस्टल भी दिखा देती हूँ, कितना अच्छा हॉस्टल है, क्लीन है, नीट और क्लीन हॉस्टल रखा था। गुड मॉर्निंग, देखो चलो तो हम आ गए हैं अरावली हाउस। अरावली हाउस में बच्चों ने गणेश जी भगवान की मूर्ति की स्थापना की है, देखो कितनी अच्छी मूर्ति की स्थापना की है। हैप्पी गणेश चतुर्थी मैम। मैम दिखाइए सबको, सबने बनाई है। अभी दिखाऊंगी। गणपति बप्पा मोरिया। तो देखो हम आ चुके हैं अरावली हाउस में और अरावली हाउस में बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से मूर्ति बिठाई है और मूर्ति की स्थापना की है गणेश जी भगवान की। और देखो डेकोरेशन भी इतना अच्छा किया है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कितना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेशन किया है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ,
9, 10, 11, 12 गणपति जी सबसे प्यारा। एक काकड़ी दो काकड़ी गणपति जी की दूध बाकड़ी। आगे गाड़ी पीछे गाड़ी आगे गाड़ी पीछे गाड़ी गणपति जी की दो दो लाड़ी। मोरिया रे बाबा मोरिया रे 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 गणपति बाबा मोरिया। चार लड्डू चोरिया एक लड्डू रूठ गया गणपति जी रूठ गया। देखो बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोलते हैं साथ भी बनाई है बच्चों ने अपने हाथों से और मैनेजमेंट पूरा किया है क्योंकि इन लोगों के पास सामान ज़्यादा होता नहीं है तो अपने पास जो भी सामान रहता है उसी के हिसाब से ये अरेंजमेंट करते हैं ये लोग। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है और ये है हाथ से बनाया क्या ये गणेश जी yes, yes, देखो कितने सेवेंथ वाले ने बनाए हैं गणेश जी ये मिट्टी से बनाए हैं देखो कितने अच्छे लग रहे हैं गणेश जी भगवान। और ये जो मूर्ति है जो मार्केट से खरीद के लाए हैं गणपति जी जय जय कर। 1, 2, 3, 4 गणपति जी जय जय कर। 5, 6, 7, 8 गणपति हमारे साथ। 5, 6, 7, 8 गणपति हमारे साथ। 9, 10, 11, 12 गणपति जय हमारे। 9, 10, 11, 12 गणपति जय हमारे। गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। 4 लड्डू चोरिया कर रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके देखो बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है सब लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दिखाते हैं हम इन लोगों को कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो मतलब। अपने भाई को टीका लगा रही है यहाँ बस मुझे हमने अरावली हाउस विजिट किया। यहाँ पर बहुत अच्छी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत खुश हैं गणेश जी को अपने हाउस में लाकर। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसी तरीके से खुश रहे और हमेशा गणेश जी का इन पर आशीर्वाद बना रहे। चलो चाची साहब वाला बाहर।
चलो अब चलते हैं नीलगिरी हाउस की तरफ कि वहाँ पर कितना काम हुआ है, उन्होंने मूर्ति बनाई है या नहीं बनाई, तो वहाँ देखते हैं क्या होता है। हम आ गए हैं नीलगिरी हाउस में और नीलगिरी हाउस वाले बच्चे को मैंने बताया था आप लोगों को गणेश जी भगवान की मूर्ति बना रहे हैं मिट्टी से, तो उन लोगों की लगभग मूर्ति बन चुकी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी उनकी मूर्ति बनी है और किस तरीके से उनने मूर्ति बनाई है। रुको मैडम इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर इधर सामने सामने साइड में जाओ। नील पाटीदार है हमारा स्टूडेंट, वो बहुत मेहनत कर रहा है। मैम ने भी तो की उनका भी लिखा पर हमारी कविता वो रानी मैम वर्षा रानी मैम ने बहुत प्रयास किया है मूर्ति को बनाने में। वाओ कितनी अच्छी मूर्ति से परेशान हो रही है दोनों मैम हमारे लिए, हमारे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कर रही है वो बहुत शानदार। हमारे दोनों मैम ने बहुत मेहनत की है। सुमित निवाड़ा ने कुछ भी नहीं किया और ये फालतू में जाके बैठ गया, फालतू में बैठ गया हूं। तो मैं भी जाके बैठने वाला हूं। ना आए ब्रो, आए ब्रो बना दो। और हमारा बहुत अच्छी नाम बनाई आपने, बहुत अच्छी गणेश जी की मूर्ति बनाई है मैडम आपने। बाकी हम छोड़ के बाकी मेरे में खड़े हुए हैं, फ्री में खड़े हुए हैं यहां पे। ये हमारे यूट्यूबर मैम, यूट्यूबर मैम इनके हो गए लाइक करें फॉलो करें। आप देख रहे हो ना खाने का टाइम हो चुका है तो बच्चे खाना खाने जा रहे हैं। मैं इसमें इनके पास अपनी अपनी थाली होती है और अपनी अपनी थाली लेके जाते हैं ये बच्चे। मग्गा भी होता है, आज क्या खीर मिलेगी? संडे का दिन मिलती है तो आज तो स्पेशल है पूरी। हाँ, नहीं नहीं पूरी आज दाल पापड़ी नहीं है। चलो जाओ अब हो चुका है इवनिंग और हमने दोपहर में बनाई थी गणेश जी की मूर्ति जो कलर कर दी गई है मैडम के द्वारा और नील पाटीदार के द्वारा और बहुत ही सुंदर लग रही है गणेश जी की मूर्ति। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाथों से बनाई है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट से खरीद के लाए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और देख रहे हैं कि गणेश जी भगवान की मूर्ति को किस तरीके से कलर किया गया है। वाओ कितनी अच्छी लग रही है गणेश जी की। वाओ सो स्वीट, वेरी नाइस। देखो नील ने इतना अच्छा कलर किया, पता नहीं था। ये है दोपहर में बनाई थी ये मूर्ति गणेश जी की और इतने अच्छे से लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे से हम बना पाएंगे। और ये जो है ना दर्शक हैं जो फ्री फोकट में भीड़ लगा के खड़े हुए हैं हमारे दरवाजे पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे जैसे हम हमारे कॉलोनी में बिठाते हैं गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वहाँ समिति वाले लोग आते हैं, इसी तरीके से समिति वाले लोग समझ लो इन बच्चों को, ये है ना नीलगिरी समिति है, ये नीलगिरी समिति की तरफ से, नीलगिरी समिति की तरफ से देखो गणेश जी भगवान जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस तरह से ये देखो बज गए हैं शाम के 6:30 मूर्ति को सजाने में और पता नहीं बच्चे कब इनको स्थापित करेंगे, आज भी करेंगे या नहीं, आज करेंगे। देखो दिन भर से बना रहे थे बच्चे गणेश जी की मूर्ति, हाथों से बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है देखो आप। और
ये फाइनली बन चुकी है और अब इसको स्थापित करने के लिए अपने हॉस्टल में बच्चे ले जा रहे हैं। चलो गिर मत जाना आराम से। चार लड्डू, चार यार, एक लड्डू फूट गया, गणपति बाबा रूट गया, मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया। देखना एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, पाँच छह सात आठ गणपति जी हमारे साथ, पाँच छह सात आठ गणपति जी हमारे साथ, नौ दस ग्यारह बज चुके हैं रात के आठ और अभी तक बच्चों की झांकी तैयार नहीं हुई है। अभी तो वो तैयारी ही कर रहे हैं, झांकी को सजा रहे हैं। पता नहीं कब इनका पता नहीं कब ये गणेश जी की स्थापना करेंगे। फाइनली नील पाटीदार ने मूर्ति को सजा दिया है और बहुत अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है मूर्ति को। और देखो हमारा तैयब खान भी साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम भी हाँ, अब ये देखो झांकी की तैयारी हो रही है। ये देखो इस तरीके से तैयार, ये गुब्बारे लगाते हुए डेकोरेट करते हुए बच्चे, झांकी को तैयार करते हुए बच्चे। मस्ती मत करो, बेचारे बच्चे भी थक चुके हैं और मैं भी थक चुकी हूँ सुबह से इनके वीडियो बना बना के। तो हमारी एक्टिविटी आपने देखी, हमारे वीडियो में देखा बच्चे ने किस तरीके से गणेश जी भगवान जी को स्थापित किया और इन्जॉय किया, और किस तरीके से नील पाटीदार है और मैडम ने गणेश जी भगवान जी को बनाए हैं मिट्टी से, है ना। तो अभी देखिए हमारा पूरा ब्लॉग देखिए, पूरे ब्लॉग में बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है। और हमारे यूट्यूब ब्लॉग पर ऐसे ही बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, थोड़ी एनर्जी के साथ बोल लो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ना भूले। Thanks for watching my video.